सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। देश की चुनावी राजनीति में जिसको भी दिलचस्पी है वो सारे लोग चार विधानसभा चुनावों की तैयारी करने लगे हैं। काफ़ी कुछ कसरत उधर हो रही है, लेकिन उसके पहले दिल्ली में छोटे चुनाव दो हो रहे हैं जिनको लिटमस टेस्ट मानना चाहिए इन चार विधानसभा चुनावों के लिए भी और मुल्क की पॉलिटिक्स के लिए भी। 6 सितंबर को JNU छात्र संघ का चुनाव हो रहा है और 16 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव हो रहा है। इन दोनों चुनावों पे नज़र रखनी चाहिए और जिस किसी को भी थोड़ी दिलचस्पी है वो ये एक लिटमस टेस्ट है जिसके सहारे वो समझ सकता है कि आने वाली राजनीति किधर जा रही है। इसमें बड़ा चुनाव ख़ास तौर से दिल्ली यूनिवर्सिटी का है क्योंकि वहाँ छात्रों की संख्या काफ़ी बड़ी है और अपने 40 साल के अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव मोटे तौर पर ये इंडिकेशन देता है कि मुल्क का मूड क्या है। आम तौर पे वहाँ जो यूनिट जीतती है चुनाव मुल्क की पॉलिटिक्स में उसका बोलबाला रहता है। कांग्रेस जीते, कांग्रेस से जुड़ा संगठन है NSUI और भाजपा से जुड़ी है ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। बीच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने खुद को वो संघ से जुड़े लोग हैं सीधे, तो उनको लगता था कि चुनाव संघ कहता है कि हमको चुनाव में दिलचस्पी नहीं है और विद्यार्थी परिषद चुनाव लड़े तो उनको एक दिक्कत मोरल होती थी। तो एक ड्रामा ये किया गया कि विद्यार्थी युवा मोर्चा बनाया गया और उसके सहारे चुनाव लड़ा गया। सिर्फ दिल्ली में ये प्रयोग हुआ था, बाकी जगह भी हुआ होगा लेकिन उसका कोई ज़्यादा असर नहीं था। तो ये दोनों चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आगे की दिशा बताने के लिए और छात्र राजनीति की दिशा भी। छात्र राजनीति के बारे में ये कहना बहुत ज़रूरी है कि आज के तारीख में गिनती के विश्वविद्यालय रह गए हैं जहाँ नियमित चुनाव हो रहा है और चुनाव व्यवस्थित ढंग से हो रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी व्यवस्थित होता है लेकिन उससे भी ज़्यादा व्यवस्थित छोटा होने के चलते JNU में होता है, जबकि जो सारा चुनाव विद्यार्थी खुद से ऑर्गेनाइज करते हैं, वही चलाते हैं, वही रिजल्ट बताते हैं, उसमें कोई बाहरी नहीं आता। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी खर्चा काफ़ी बढ़ गया था तो इसलिए वहाँ लिंगडो कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर खर्चों पर अंकुश लगाने की कोशिश तो हुई है लेकिन अभी भी वहाँ बहुत ज़्यादा बाहरी दखल नहीं होता। तो ये दोनों चुनाव इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। JNU के चुनाव में एक दूसरी खास बात यह है कि आम तौर पे JNU को पिछले काफ़ी समय से काफ़ी उसको विवादों में रहा है, उसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सीज रही है और काफ़ी विवादास्पद बनाया गया है। बनाने वालों में कहना नहीं होगा कि जो केंद्र में बैठे हुए हैं लोग वो भी उसमें शामिल हैं क्योंकि BJP की पॉलिटिक्स में टुकड़ा टुकड़ा गैंग बताना, भारत विभाजन वालों का अड्डा बताना JNU को, ये सब एक ज़माने में लेफ़्ट वाले उसको अपना एक स्टेट मानते थे। कई दफ़े ये कहा जाता था कि देश में वामपंथियों के 3.5 गढ़ हैं, बंगाल, केरल और त्रिपुरा के बाद JNU। तो उस तरह की हालत थी, JNU जितना गिनती विद्यार्थियों की कम है उससे कई गुना ज़्यादा उसका पॉलिटिकल महत्व है। तो जो केंद्र में शासक लोग हैं वो भी लगातार ABVP की तरफ से ये कोशिश हुई है कि JNU को जीतें, अभी तक वो इस कोशिश में सफल नहीं हुए हैं। पिछली यूनियन जो जीत के आई थी जिसकी प्रेसिडेंट आयशा की एक लड़की थी, उसको विश्वविद्यालय ने कायदे से मान्यता भी नहीं दी, उसका नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ और उसको किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में नहीं बुलाया गया, जबकि कानून के हिसाब से ये सारी लड़ाइयाँ बहुत साफ़ हैं और कहाँ होना चाहिए था ये कहने की ज़रूरत नहीं है। इस बार भी चुनाव हो रहे हैं और ABVP पूरी ताकत से लड़ रही है और मेरे ख्याल BJP का सितारा आज के तारीख में इससे बुलंद स्थिति में कभी नहीं होगा। तो ये देखना होगा कि क्या ABVP इस बार के चुनावों में कोई उलटफेर करने में सक्षम हो पाती है कि नहीं हो पाती है, क्योंकि मोदी जी की आज जो पॉपुलैरिटी है पिछले चुनाव की पॉपुलैरिटी अपनी जगह है लेकिन उसके ऊपर 3 तलाक और धारा 370 ख़त्म करने के बाद से उनकी पॉपुलैरिटी और आसमान में है और ये उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार BJP के सहारे ABVP वहाँ कोई जीत दर्ज करेगी, और नहीं करती है तो ये अपने आप में एक बड़ी कमेंट्री होगी क्योंकि बच्चों के अंदर अगर इस तरह की भावना नहीं आ पाई है इतनी कोशिशों के बाद भी, तो इसका मतलब ये है
कि JNU का गढ़ अभी भी लेफ्ट के लिए बचा हुआ है। लेफ्ट का चुनाव कई वजह से, वहाँ JNU का चुनाव दूसरी वजह से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ लेफ्ट की पार्टियाँ एकजुट होकर लड़ती हैं। और पिछले कई साल से आयसा नामक एक संगठन, नया छात्रों का संगठन है जो CPIML से अपने को जुड़ा बताता है, वो लोग जीतते रहे हैं। इस बार रोटेशन में उनके यहाँ SFI का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, तो ये एक बड़ा बदलाव है। और वो भी देखना होगा कि आयसा जीत जाती थी तो क्या SFI के लोग निकाल पाएंगे कि नहीं। इससे भी ज़्यादा एक दिलचस्प वहाँ मोर्चा बना है पिछले 4-5 सालों में, वो बजाप्ता अंबेडकर और पेरियार और ये नाम लेके ही बना है, जो दलित और पिछड़ा आदिवासी इनका मेल बनाया जाए, ये प्रयोग कुछ दिनों से खास तौर से लेफ्ट के कुछ ग्रुप ये कोशिश करते रहे हैं। चुनावी दखल उनका मुल्क के पॉलिटिक्स में और कहीं नहीं दिखाई देता। JNU में जरूर वो लोग लड़ते रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस उनका करते रहे हैं। इस बार उनका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एक मजदूर लड़का है। मजदूर लड़का इसलिए कह रहा हूँ कि सचमुच वो मजदूरी करता रहा है। दिल्ली में भी उसने मजदूरी की है, उड़ीसा में भी जिस गाँव से आया है वहाँ भी वो मजदूरी करता रहा है, तो उसका चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण है और उसके परफॉर्मेंस पे भी नज़र होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होनी है कि क्या JNU पे लेफ्ट का कब्जा कम होगा, और इतनी कोशिशें और एक लेवल पे बेईमानी करने के बाद भी क्या ABVP और सरकार की ओर से बेईमानी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस कन्हैया कुमार को और इनको एकदम देशद्रोही लगभग बना दिया गया मीडिया की नज़रों में, उनके खिलाफ आज तक FIR भी नहीं हुई है, उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि वो एक पॉलिटिकल केस था और उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल किया गया। उसमें कोई कन्हैया कुमार पकड़ में आ जाएं और शैला पकड़ में आ जाएं, या और भी ये जो टुकड़ा टुकड़ा वाला स्लोगन चला, जो TV पे क्लिप दिखाया गया, वो सारे झगड़े अपनी जगह हैं, तो इस बार वो टेस्ट हो जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा मेरी दिलचस्पी और बाकी लोगों की भी दिलचस्पी दिल्ली यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी असल में सही मूड बताता है मुल्क का, और उस जगह लेफ्ट का कोई दखल पिछले काफ़ी समय से नहीं है। जब हम पढ़ते थे तो उस समय लेफ्ट वाले लोग, जनता पार्टी वाले लोग मिलजुल के एक मोर्चा बनाते थे और लड़ने की कोशिश करते थे। कई दफ़े उनका कैंडिडेट अच्छा वोट भी पा गया, लेकिन उसके बाद से अब लेफ्ट का वहाँ ऐसा है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा कैंडिडेट कोई बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कभी नहीं कर पाया। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र पॉलिटिक्स में वामपंथियों का कभी भी बहुत ज़्यादा दखल नहीं था। शिक्षक यूनियन में तो ज़रूर वामपंथी काफ़ी मजबूत रहे हैं, और बाकी सारी चीज़ों में, भर्ती और इन सब में वामपंथियों का की काफ़ी चलती रही है, लेकिन छात्र राजनीति में उनकी नहीं चली है। हम जब पढ़ते थे उस समय ज़रूर जनता पार्टी और जनता दल वाले ग्रुप को मिला के युवा जनता और छात्र जनता और फिर लेफ्ट की पार्टियाँ मिलजुल के लड़ती थी। एक आध दफ़े उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक हुआ, अच्छे वोट आए, लेकिन जीतने वाली हालत कभी नहीं बनी। इवन 77 में भी यहाँ जीत की हालत नहीं बनी, जबकि उस बार विजय गोयल वर्सेज सुधीर गोयल की लड़ाई हुई थी, युवा जनता के कैंडिडेट थे वो। तो वहाँ कोई अपने आप में टेस्ट का मसला नहीं है, वहाँ सीधी लड़ाई NSUI जो कांग्रेस जुड़ी हुई है और ABP के बीच होती है। बीच में कई दफ़े रिबेल कैंडिडेट भी जीत जाते हैं, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और आज की तारीख में करीब 1,00,000 वोटर होंगे और समय मिलता है बहुत कम, पूरी दिल्ली चुनाव क्षेत्र है उसका, उस हिसाब से MP के चुनाव से भी ज़्यादा टफ है, साधन के हिसाब से भी और भागा दौड़ी के हिसाब से। विद्यार्थी परिषद के बारे में इस बार दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से RSS के लोग पन्ना बना के पन्ना प्रमुख बनाए हुए हैं, उसी किस्म से छात्रों के बीच भी जाने के लिए विद्यार्थी परिषद ने इस बार पन्ना प्रमुख जैसा कुछ बनाना शुरू किया है। लेकिन उससे ज़्यादा तैयारी कांग्रेस ने शुरू की है इस बार, जबकि कांग्रेस बाकी जगह उसकी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो इसीलिए चुनाव दिलचस्प होंगे कि इस बार नरेंद्र मोदी की पॉपुलरिटी अपने पीक पे है, BJP की पॉपुलरिटी अपने पीक पे है, और पिछला यूनियन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो काफ़ी हद तक ABVP का था, पूरी तरह तो नहीं जीते थे, बल्कि उनका अध्यक्ष इतना विवादास्पद रहा, मेरे ख्याल से उससे उसकी प्रतिष्ठा कम ही हुई है, क्योंकि उसकी डिग्री को लेकर विवाद रहा, फर्जी डिग्री निकली। फिर जाते जाते उस पहलवान ने ये किया कि बिना किसी अनुमति के सुभाष बाबू, सावरकर और भगत सिंह की एक मूर्ति,
एक ही साथ तीनों की मूर्ति वो बीच यूनिवर्सिटी में लगा के चला गया। एक रात अचानक उसने परमिशन लिया किसी और चीज़ के नाम पे, कोई और मीटिंग करने के नाम पे, और उसी शामियाने के वोट में उसने ये मूर्ति लगवा दी जो अब विश्वविद्यालय ने हटा दी है। बल्कि उसी में फिर ये हुआ कि NSUI के किसी लड़के ने जाके सावरकर की मूर्ति में काली पोत दी। तो ये सब चीज़ें हुई हैं उसी अध्यक्ष के चलते, तो मेरे ख्याल से उसकी प्रतिष्ठा कम हुई है। जहाँ तक यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स से बड़ी पॉलिटिक्स का मसला है, एक तो ये सिग्नल है कि पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, लेकिन बड़ी पॉलिटिक्स का अगर इंडिकेशन करें तो विश्वविद्यालय की समस्याओं की कमी नहीं है दिल्ली में, JNU के बच्चे तो काफ़ी कुछ अपनी समस्याएं निपटा लेते हैं यूनियन के जरिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी हद तक दिखावे की पॉलिटिक्स ही करता रहा है। अधिकांश कॉलेजों के पास छात्रावास नहीं है, और ख़ास तौर से छात्रावास यहाँ लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है जो बाहर से अब बड़ी संख्या में यहाँ आने लगी। यही हाल स्टाफ क्वार्टर का है। कुछ कॉलेजों को छोड़ दें, विश्वविद्यालय को छोड़ दें, तो वो उनके भी गिनती के स्टाफ क्वार्टर हैं, बाकी टीचर्स के लिए, बाकी स्टाफ के लिए कोई क्वार्टर, जबकि हर कॉलेज के पास पर्याप्त ज़मीन है। अब रिसोर्सेज आ भी रहे हैं तो स्टाफ क्वार्टर हॉस्टल जैसी प्राथमिकताएँ नहीं हैं। बच्चों को यहाँ पहले DTC पास से लेके बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में छूट मिलती थी, आज के तारीख में मेट्रो ने उसको एकदम पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। तो काफ़ी बच्चे गरीब खास तौर से वो मेट्रो में चढ़ते नहीं हैं, वो बसों से चलते हैं। बाकी सारी सुविधाएं पढ़ाई से लेके क्लास कितने होंगे और इनकी कोई चर्चा विश्वविद्यालय पॉलिटिक्स में अभी ढंग से होती नहीं है। आम तौर पे छात्र राजनीति में सिर्फ अपनी समस्याएं ही नहीं, मुल्क की समस्याएं भी आती रही हैं, और हमारे काफ़ी सारे नेता छात्र राजनीति से निकल के आए हैं। अभी अरुण जेटली जी गए हैं, अरुण जेटली जी इसी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ से आए हैं। तो आज के तारीख में पॉलिटिकल ट्रेनिंग का सेंटर यूनिवर्सिटी नहीं रह गए हैं, ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों की पॉलिटिक्स आगे बढ़नी चाहिए क्योंकि उससे एक टोटलिटी निकल के आती है। आज के तारीख में ब्यूरोक्रेसी से लोग, वकालत से लोग, पैसे वाले लोग, ये सब पॉलिटिक्स में दाएं बाएं से घुस के, और सिर्फ MP MLA नहीं हो रहे हैं, मंत्री तक हो जा रहे हैं, और उनकी समझ और उनका कमिटमेंट, उनका संपर्क, ये अपने आप में महत्वपूर्ण। इस कंटेक्स्ट में एक बात और मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ ज़रूर, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से, जब से ABVP की प्रधानता छात्र संगठनों में बनी है, पूरे मुल्क में सबसे बड़ा संगठन वो बना है, इसी तरह BMS जब से भारतीय मजदूर संघ, मजदूरों का सबसे बड़ा संगठन बना है, सारे छात्र आंदोलन और मजदूर आंदोलन चौपट होते गए हैं। कहीं छात्र आंदोलन सुनाई नहीं देता जेन्युइन इशू पे, नॉन इशू पे सारे इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेबस में एक कोई नाम बदलने के लिए, एक कोई चैप्टर बदलने के लिए तो लड़ाई होती है, लेकिन कभी छात्रावास बने, बच्चों को सुविधा हो, लड़कियों की सुरक्षा के सवाल हो, इन सवालों पे कभी चर्चा नहीं होती। तो ये एक पॉलिटिक्स में बड़े बदलाव की भी ज़रूरत है, लेकिन मैं अभी इन चुनावों के महत्व को सिर्फ और सिर्फ इसलिए ज़्यादा मानता हूँ कि अगले चुनाव ही पॉलिटिक्स में क्या होने वाला है, 4 राज्यों जिसमें दिल्ली विधानसभा भी शामिल है, उनके चुनाव का क्या संकेत आने वाला है, और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत साफ सिग्नल मिलेंगे। दिल्ली में आप पार्टी काफ़ी मजबूत रही है, लेकिन आपने कोशिश भी की दिल्ली यूनिवर्सिटी में घुसने की, अभी तक उसको सफलता नहीं मिली है। इस बार क्या होता है इस पर भी नज़र रहेगी, क्योंकि दिल्ली में आपका दावा अभी कमज़ोर नहीं हुआ है। अगर BJP से कोई लड़ेगा तो कांग्रेस या आप में से कोई लड़ेगा। लोकसभा में कांग्रेस आगे हो गई थी, BJP ने 7 सीटें जीती, इसके बाद भी 2 नंबर की लड़ाई में कांग्रेस आ गई थी, जो उसके लिहाज से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की जो हालत हुई है उसमें आप दूसरे पे आ जाए, आप मुकाबले में आ जाए, आप जीत जाए तो कोई हैरानी नहीं है, लेकिन क्या उसके भी सिग्नल DSOO के चुनाव से निकलेंगे, ये देखने की चीज़ होगी। चुनावों का महत्व इसीलिए है। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।